हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज की ये डिज़ाइन बड़ी प्यारी और हल्की आसान सी डिज़ाइन है। ये सिर्फ वन रो की पैटर्न है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये डिज़ाइन 3 के मल्टीपल में बनेगी। आप जितने भी इसमें फंदे लें, छोटे या बड़े स्वेटर आप जो भी बना रहे हों, उसमें 3-3 इस ढंग से इसके मल्टीपल में फंदे लेंगे और प्लस 2। ये सारे फंदे 3 के मल्टीपल में लेके सिर्फ 2 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, प्लस 2 करेंगे, जो एक एक फंदा दोनों ओर का होगा। इसे बनाने के लिए 3 से मल्टीपल में फंदे लेंगे। जैसे ये देखिए, ये 3-3 का ये सेट है और एक एक फंदा दोनों ओर का एक्स्ट्रा, यानी 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। आप जितने भी फंदे की स्वेटर बना रही हो उसमें 3 के मल्टीपल में फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं, जो एक एक फंदा दोनों ओर का होगा। ये डिज़ाइन आप जब भी किसी स्वेटर में डालें तो पूरी इसी डिज़ाइन को डालकर स्वेटर ना बनाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी बनने के बाद ये ज़्यादा ही जाली दिखती है। अगर आप जेंट्स की हाफ स्वेटर में इसे डालें तो बीच में ये थोड़ी सी ये पट्टी की तरह डालें, फिर दोनों किनारा में, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि ये जेंट्स के हाफ स्वेटर का अगर अगला पल्ला है तो इसमें देखिए बिल्कुल बीचों बीच इस ढंग से थोड़ा सा ये सेट कर लें ये डिज़ाइन, और इस किनारे में थोड़ा सा सेट कर लें। इस तरह से सेट करने पर ये अच्छा लगेगा। और अगर पूरे स्वेटर में इसे डालेंगे तो थोड़ी सी जाली जाली सी बन जाएगी। वैसे ये जाली के डिज़ाइन आप कार्डिगन में डाल सकती हैं, और अगर गर्ल्स का टॉप वगैरह बनाना हो जो आगे से बंद हो, उसमें आप इसे थोड़ा डिज़ाइन की तरह यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि वो राउंड नेक की है, तो आप ये फ्रंट में इसे इस ढंग से डाल सकती हैं, जैसे यहाँ से 1 से शुरू करके इसे बढ़ाते हुए ये इस शेप में ये पूरा डिज़ाइन डाल लें। तो इस डिज़ाइन का यूज़ आप थोड़ा इस ढंग से पार्ट वाइज अगर किसी स्वेटर में करते हो तो अच्छा लगेगा, और अगर आप उसमें पॉकेट बना रही हो तो पॉकेट के ऊपर भी ये डिज़ाइन डालें। डिज़ाइन मैं इसी के ऊपर बनाना बताऊंगी। फर्स्ट रो ये सीधी तरफ से है, जैसे कि पहला फंदा उतार लेते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा फंदा लिए थे 2, पहला फंदा इधर है उसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइन शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। इस पहले वाले ये 3-3 का सेट है, तो 3 फंदों पर डिज़ाइन बनेगी हर बार। इसमें पीछे की ओर से देखिए, 1 सीधा लेंगे, थोड़ा हल्के हाथ से बनाएं, बहुत टाइट इसमें फंदे को नहीं करें, और यहाँ पर फिर इसे भी लेंगे और पीछे वाले को भी लेंगे, दूसरे वाले फंदे को पीछे की ओर से, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब इन दोनों को लेंगे और थर्ड वाले फंदे को पीछे की ओर से लेके सीधा बुन लेंगे, ये इस तरह से। फिर से देखिए पीछे की ओर, 1, फिर से दूसरा फंदा, 2, और दोनों को मिलाकर ये 3रा फंदा, ये इस ढंग से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पहला फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा, और फिर ये 3रा।
ये सीधी तरफ से ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब उल्टे तरफ से एक फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा, तीसरा, ये चौथा, इस तरह से ये पूरी पंक्ति उल्टा ही बुनकर तैयार करेंगे इसे। इस पूरे डिज़ाइन को डालकर आप स्टोल भी बना सकती हैं और शॉल भी बना सकती हैं इसमें। ये डिज़ाइन दो रो की कंप्लीट है। डिज़ाइन तो सिर्फ एक ही रो में पड़ेगी, सिर्फ लास्ट रो सेकंड रो में उल्टे तरफ से पूरा उल्टा ही बनाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरी वेबसाइट shilpigarments.com पर ज़रूर विज़िट करें। उस पर भी बहुत सारे डिज़ाइंस और अच्छे अच्छे स्वेटर के डिज़ाइन भी दिए हुए हैं। धन्यवाद।